नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और ये है मेरा इस हफ्ते का फिल्म रिव्यू बॉब बिस्वास। साल 2012 विद्या बालन की फिल्म कहानी में बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी ने एक किरदार निभाया बॉब बिस्वास, जिसे ऑडियंस ने बहुत आकर्षित हुए थे। बॉब बिस्वास देखने में सीधा साधा, बोलने में बेहद कर्टियस, मगर सोच और हरकतों में लीथल, डेंजरस। अब 9 साल बाद दिया घोष इसी किरदार को नई कहानी में पिरोकर बॉब बिस्वास को एज प्रोटैगनिस्ट पेश करती है। इस बार बॉब बिस्वास बने हैं अभिषेक बच्चन और इस बार ऑडियंस बॉब बिस्वास के पूरे परिवार से मिलते हैं। उनकी पत्नी मैरी यानी चित्रांगदा सिंह, बड़ी बेटी मिनी, छोटा बेटा और सब एक साथ टेरेस का एक छोटा सा कॉटेज है, रेंटेड घर में रहते हैं। एक्सीडेंट के बाद बॉब हैज अ मेमोरी लॉस, जिसकी वजह से वो सुबह से शाम कोलकाता की सड़कों पे घूमते रहते हैं और इस तरह से कोलकाता शहर भी फिल्म का एक किरदार है। यहाँ की तंग गलियाँ, यहाँ के लोग, उनकी बोली, स्ट्रीट लाइफ और स्ट्रीट फूड। प्लॉट इंटरेस्टिंग है और कैरेक्टर्स दिलचस्प है। व्हाट लेट्स यू डाउन इज द ट्रीटमेंट। पेस बहुत धीमी है एंड डिवॉइड ऑफ ड्रामा एंड मिस्ट्री और एनी इंट्रीग। द फिल्म एड्रेसेस मेनी इश्यूज जैसे स्टूडेंट्स, ड्रग्स, फैमिली, वर्क प्लेस, मेंटल हेल्थ एंड वायलेंस, मगर सॉल्यूशंस किसी भी चीज़ का नहीं देते हैं। चित्रांगदा सिंह जब तक स्क्रीन पे है अपीलिंग है और नेचुरल है। अभिषेक बच्चन अपने कैरेक्टर को एक अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं जो रिफ्रेशिंग है। बट द बेस्ट परफॉर्मेंसेस कम फ्रॉम द सपोर्टिंग टीम, पर्टिकुलरली परन बंदोपाध्याय हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ कालिदा, कि थोड़ी सी फीकी, थोड़ी सी उलझी हुई बॉब बिस्वास को मैं भावना सुमाया बिग रेटिंग्स देती हूँ 2.5 स्टार्स। 92.7